दोस्तों, क्या आप आपके पकोड़े, भजिया, जो डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, राइट, जो काफ़ी टेस्टी होते हैं, क्या आप उसको बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो? नॉट श्योर, राइट? अगर आपको हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो बहुत बार लोगों ने आपको बोला होगा कि आप अपना ऑयल बदलिए, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चालू कीजिए। रीज़न हमें नहीं पता। क्या ऑलिव ऑयल सच्ची में आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस को दूर भगाने में हेल्प करेगा? वी डोंट नो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, क्या हम ऑलिव ऑयल को एक्चुअली में यूज़ कर सकते हैं फॉर अवर इंडियन कुकिंग? क्या सब्जी बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल को? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, क्या एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स हमें ऑलिव ऑयल कंज्यूम करने से मिलने वाला है जो हमें लोकली प्रोड्यूस्ड ऑयल जैसे कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, उससे नहीं मिलने वाला? ये जो सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और मैं आपको दो बेस्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ब्रांड जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है वो भी शेयर करूंगा। आप कौन से बेसिस पे ऑलिव ऑयल ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हो वो मैं शेयर करूंगा, और टाइप्स ऑफ ऑलिव ऑयल, इन सारी चीज़ों पे हम दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो पे। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, एंड आई गारंटी यू कि आपको काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है ऑन ऑलिव ऑयल। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि वाई ऑलिव ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या है उसके हेल्थ बेनिफिट्स। ऑफकोर्स ऑलिव ऑयल से हमें हेल्दी फैट्स, उसके जो फैटी एसिड प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा है, हमको उससे हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नेचुरल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, हमें उससे भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो भी हेल्थ बेनिफिट्स एज पर रिसर्च प्रूव हुए हैं ऑफ ऑलिव ऑयल, वो हेल्थ बेनिफिट्स है ऑफ हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो हम ऑलिव ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स के साथ में ये भी देखेंगे कि दूसरे जो ऑयल्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, जो इंडियन ओरिजिन है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और काऊ घी की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें भी ये हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं क्या नहीं, जो ऑलिव ऑयल से मिलने वाले हैं। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट दोस्तों, ऑलिव ऑयल जो है वो रिच है इन ओलिक एसिड, जो कि एक टाइप ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। बेसिकली इट इज़ अ गुड हेल्दी फैट दैट विल हेल्प बर्न योर बैड फैट्स, एंड ऑफकोर्स वेट लॉस में भी हेल्प करता है। मैं दूसरे वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में मुफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऊपर बात की है, आप जो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आपको मस्टर्ड ऑयल से भी ये मुफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिल सकता है, राइस ब्रान ऑयल से भी मिल सकता है, काऊ घी जो है उसमें इट इज़ हाई इन सैचुरेटेड फैट, वो जो सैचुरेटेड फैट है वो ऑफकोर्स उसके ऊपर भी इट्स नॉट कि वो बैड है, बट वो अलग टॉपिक है, वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन काऊ घी में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो काफ़ी कम रहता है। सेकंड जो बेनिफिट है वो है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो एंटा इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज प्रोसेस करता है, एंटा ऑक्सीडेंट रिच है, उसके अंदर वाइटामिन ई मिलने वाला है आपको, पॉलीफिनॉल्स मिलने वाले हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है हमारी बॉडी जो फेस करनी पड़ती है उसको हैंडल, उसको कम करने में हेल्प करता है। मस्टर्ड ऑयल में भी हमें एंटा ऑक्सीडेंट मिलते हैं दोस्तों, ऑफकोर्स इतने हाई नहीं होते जितने ऑलिव ऑयल्स में हैं, और राइस ब्रान ऑयल में भी ओरिजिनॉल है और टोकोफिरॉल्स है, पर ऑफकोर्स उसकी जो मात्रा है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल्स। और जो प्योर काऊ घी है दोस्तों, उसमें काफ़ी कम मात्रा में एंटा ऑक्सीडेंट्स पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हमें मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल से भी एंटा ऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। फिर ऑलिव ऑयल में दोस्तों एंटा कैंसर प्रॉपर्टीज है, विच इज़ वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल। लेकिन मस्टर्ड ऑयल में और राइस ब्रान ऑयल में भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होते हैं। जब हम मस्टर्ड ऑयल को हीट करते हैं फॉर कुकिंग, राइट, एक कंपाउंड रिलीज होता है विच हैज़ शोन टू हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। फिर टाइप 2 डायबिटीज से जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ऑलिव ऑयल अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट स्ट्रोक्स रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये सारी बेनिफिट जो है आपको मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सीजम ऑयल उसमें से मिलने वाला है। बेसिकली आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ऑलिव ऑयल लो या राइस ब्रान ऑयल लो या मस्टर्ड ऑयल लो, आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करने में हेल्प करता है। अगर मैं काऊ घी की बात करूँ तो उसमें सैचुरेटेड फैट है, उसमें जो अगर मॉडरेशन में आप काऊ घी, प्योर काऊ घी को कंज्यूम करो तो उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स है। लेकिन जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम करने में काऊ घी जो है वो हेल्प नहीं करता है आपको दोस्तों। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, घी जो है और उसमें जो सैचुरेटेड फैट है, राइट, वो एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो में उसमें मैं उसको भी कवर करूँगा। इस वीडियो में अगर मैं ज़्यादा उसके बारे में बात करूँ तो अगेन आई विल रिसीव मेनी कमेंट्स कि ये गलत बोल रहा है, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट इन दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है ऑलिव ऑयल जो है वो आपको हेल्प करता है इन योर वेट लॉस, फैट लॉस जर्नी। ना ये जो चीज़ है, ये जो बेनिफिट है वो आपको मस्टर्ड ऑयल या राइस ब्रान ऑयल से नहीं मिलेगा। इट वोंट डायरेक्टली हेल्प यू इन योर वेट लॉस जर्नी।
इन ऑयल्स में स्पेसिफिक वेट मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो दोस्तों काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं ऑलिव ऑयल के, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सारे बेनिफिट्स आपको मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल से भी मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शंस है। अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइप्स ऑफ ऑलिव ऑयल अवेलेबल है मार्केट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यू नो, क्योंकि 5 to 6 टाइप्स ऑफ ऑलिव ऑयल अवेलेबल है मार्केट में। देखते हैं कि क्या है डिफरेंस इनमें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वर्जिन ऑलिव ऑयल है, पूमेस ऑलिव ऑयल है, प्योर ऑलिव ऑयल है और रिफाइंड ऑलिव ऑयल। हम कुछ की पैरामीटर्स से इन ऑलिव ऑयल्स को डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है और वो आपको हेल्प करेंगे इन डिसाइडिंग कि कौन सा ऑलिव ऑयल आपको चूज करना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल दोस्तों इज द प्योर एंड बेस्ट। वर्जिन ऑलिव ऑयल इज सेकेंड बेस्ट एंड इट इज प्योर। पूमेस ऑलिव ऑयल जो है इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ लो क्वालिटी ऑलिव ऑयल। प्योर ऑलिव ऑयल जो है इट इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ रिफाइंड ऑलिव ऑयल और उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो अगेन एवरेज होती है। और रिफाइंड ऑलिव ऑयल तो डेफिनेटली आई वुड से अवॉइड करो, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो पुअर होती है। क्वालिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों प्रोसेसिंग, कितना प्रोसेस किया गया है वो ऑयल को प्रोड्यूस करने में। तो डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग की बात करें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऑलिव ऑयल में सबसे मिनिमम होता है और वर्जिन ऑलिव ऑयल में भी मिनिमम होता है, विच इज़ रियली गुड। और बाकी के जो 3 वैरायटीज है दोस्तों उसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है उसी को आपको प्रेफर करना है, क्योंकि हमें जो ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ जो ऑयल है वो हमें नहीं चाहिए, उसमें से हमें कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों स्मोकिंग पॉइंट। स्मोकिंग पॉइंट एक्चुअली एक बर्निंग पॉइंट है, यानी आपका ऑयल जो है वो कितना हीट ले सकता है, उतने लेवल का हीट लेने के बाद में इट विल स्टार्ट, यू नो, वो जलना चालू हो जाएगा। दैट मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर उसका चेंज होएगा, इट विल टर्न हार्मफुल। तो डेफिनेटली हमें हाई स्मोकिंग पॉइंट वाले ऑयल को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम इज जितना स्मोकिंग पॉइंट हाई होगा इट इज गुड, बट वो उसका जो प्रोसेसिंग है, डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग, वो भी हाई होता है। सो इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड। हम जब भी बर्निंग पॉइंट से, स्मोकिंग पॉइंट से ज़्यादा किसी भी ऑयल को, यू नो, हीट करते हैं तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है दोस्तों, फ्री रेडिकल्स बनना चालू हो जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये जो ऑयल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सारे ऑयल्स को हम कुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सब्जी बनाने में यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो हम सीजनिंग, सलाद ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो भी सीजनिंग के लिए, सलाद ड्रेसिंग और लाइट कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो बाकी के 3 वैरायटीज़ है वो बेसिकली हम हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और वो क्यों? क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है दैट मीन्स द डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग जो हुई है वो भी ज़्यादा है। तो दोस्तों हमें ज़रा बैलेंस करना पड़ेगा, हम जो इंडियन कुकिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ये जो लास्ट 3 वैरायटीज़ मैंने अभी बताई आपको, लेकिन जैसे मैंने कहा हाई डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग इसमें होता है। तो बेसिकली हम इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैं आपको और आगे मैं बताऊँगा क्यों नहीं कर सकते। हम नॉर्मल सब्ज़ी बनाने के लिए जो, यू नो, ज़रा सा तेल हम यूज़ करते हैं या सॉटे करने के लिए, कुछ, यू नो, चीज़ें अगर, यू नो, डीप फ्राई नहीं करनी है बेसिकली, पैन फ्राई करना है बेसिकली, तो हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडियन कुकिंग स्टाइल की बात करूँ दोस्तों तो हम हाई हीट और लॉन्ग टाइम के लिए कुक करते हैं फूड, क्योंकि हमें प्रॉपर पका हुआ फूड खाना पसंद है, अनलाइक वेस्टर्न जिधर, यू नो, कच्चा, यू नो, खाना भी खाया जाता है। तो उस केस में ऑलिव ऑयल शायद वो लोग यूज़ करते कर सकते हैं, बट हमारे केस में हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते फॉर अवर इंडियन कुकिंग। और जैसे मैंने कहा दोस्तों सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के, या फिर आप वर्जिन ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट 3 वैरायटीज़ मैंने आपको बताई उसमें से आपको कोई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। और प्रॉब्लम यह है कि हमें उसी लास्ट 3 वैरायटीज़ को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर अवर इंडियन कुकिंग। और हम इंडियंस हाई टेम्परेचर पे कुक इसलिए करते हैं सो दैट, यू नो, वी डिस्ट्रॉय ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट देयर। और दोस्तों बहुत बार हम ओवर कुक भी कर देते हैं, जिसके वजह से हम जो स्मोकिंग पॉइंट है उसको रीच करते हैं, ऑयल जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार हमारे जो फूड है, सब्जियां है, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यू नो, बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। बेसिकली हमें वर्जिन ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम जो हाई हीट लॉन्ग टाइम कुकिंग जो करते हैं उस केस में हम अगर ऑलिव ऑयल, ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो
इट विल डेफिनेटली यू नो वी विल डेफिनेटली बर्न द ऑयल, हार्मफुल सब्सटेंसेस बनना चालू हो जाएंगे. तो दैट मीन्स हम इंडियन कुकिंग में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें तो ये बेटर है दोस्तों, क्योंकि वो इंडियन कुकिंग के लिए बनाया ही नहीं गया है. अगर आपको ऑलिव ऑयल का फिर भी इस्तेमाल करना ही है आपके डाइट में, ओवरऑल डाइट में दोस्तों, तो दोस्तों बेस्ट है कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या वर्जिन ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करो फॉर सीजनिंग, फॉर सलाद ड्रेसिंग. मैं पर्सनली क्या करता हूँ दोस्तों, मेरी जब मेरी मम्मी रोटी या चपाती बनाती है, जो कि रोज ही बनाती है, हम रोज ही खाते हैं रोटी और चपाती, तो उसके ऊपर मम्मी को आदत है कि उसकी फ्रेशनेस बनी रहने के लिए मम्मी ज़रा सा ऑयल उसके ऊपर स्प्रेड करती है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मम्मी को एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल देता हूँ रोटी पर स्प्रेड करने के लिए. तो मैं रॉ ऑलिव ऑयल, रॉ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर रहा हूँ, अनरिफाइंड ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर रहा हूँ दोस्तों. तो मुझे उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं. मैं बहुत बार प्योर काऊ घी का भी इस्तेमाल करता हूँ रोटी चपाती पे स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स है दोस्तों, वो मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा. अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज़ है दोस्तों टू यूज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल विदाउट बर्निंग, विदाउट हीटिंग, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर शेयर करें. तो हमारे इंडियन मार्केट में दोस्तों एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल भी मिलता है. एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल आपके वेट लॉस में या उसमें कैलोरीज कम रहता है ऐसा नहीं है दोस्तों, इट स्टिल कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी. In fact, it is processed oil, you know, filtration होता है, refining होती है, और जो quality है of oil जो है वो degrade होना चालू हो जाता है दोस्तों. हमें पूरा health benefits extra light olive oil से भी नहीं मिलने वाला है. So there is no point in consuming extra light olive oil, please understand. तो अभी मैं quickly आपको एक दो brand बताता हूँ दोस्तों जिसके आप extra virgin olive oil consume कर सकते हो. एक है Figaro of course, और दूसरा है Boris. आप जब भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल परचेस करो दोस्तों, एंश्योर कि उसका जो प्रोडक्शन है वो यू नो हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में हुआ है, जैसे स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, कैलिफोर्निया जो यूएस का एक स्टेट है. और फिर इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना कि उसमें सिर्फ ऑलिव ऑयल लिखा हो और कुछ नहीं. और थर्ड चीज़ जो आप एंश्योर कर सकते हो वो है कि आपका जो ऑयल है वो ग्लास बॉटल में आए, डार्क ग्लास बॉटल में आए तो अच्छा है, क्योंकि ऑयल है बेसिकली, अगर यू नो सन लाइट को एक्सपोज होता है दोस्तों ये ऑयल, तो रैंकिड होने का खतरा होता है, यानी बेसिकली जो ऑयल की क्वालिटी है वो ख़राब होना चालू हो जाती है. और जब आप घर पर भी स्टोर कर रहे हो दोस्तों, एंश्योर करें कि कूल डार्क प्लेस में स्टोर करें, जिधर डायरेक्ट लाइट या डायरेक्ट हीट जो है वो आपके ऑयल पे ना पड़े. और लास्ट चीज़ जो आप एंश्योर कर सकते हो वो है कि वो ऑर्गेनिक है क्या नहीं है, चेक कीजिए सर्टिफिकेट USDA ऑर्गेनिक वगैरह उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या नहीं. तो दोस्तों बेस्ट ऑयल फॉर इंडियन कुकिंग कौन सा है, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, यानी कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, सीसम ऑयल है, और ऑफकोर्स प्योर काऊ घी भी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर इंडियन कुकिंग. अब मैं इन ऑयल को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये लोकल ऑयल्स हैं, हमारे इंडिया में बनते हैं, लोकली प्रोड्यूस्ड है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो ऑयल्स मैंने अभी बताए, जैसे मस्टर्ड ऑयल, राजबरन ऑयल, सीजन ऑयल, इन ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो भी मीडियम टू हाई है, और जो प्रोसेसिंग है वो बहुत कम होती है. तो दोस्तों बॉटम लाइन कंक्लूजन यही है कि ऑयल जो है वो इंडियन कुकिंग में तो इस्तेमाल होता ही है, और कोई भी आप टाइप ऑफ ऑयल ले लो उसमें कैलोरीज होती है. जितना आप ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतनी कैलोरीज यू नो आप कंज्यूम कर रहे हो, उतना वेट गेन आपका होने वाला है. हमें वही सारा बेनिफिट यू नो जो ऑलिव ऑयल देता है वो हमें दूसरे ऑयल से भी मिल सकता है. द बेस्ट ऑयल आई वुड से इज कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स. अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. कुछ क्वेश्चन है, कमेंट्स है, फीडबैक है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें. मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने जरूर ट्राई करता हूँ. आई विल सी यू ऑल विद माई नेक्स्ट वीडियो सून. अनिल, गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स.